श्रवण कुमार बेटा हो तो ऐसा करके आया और चोर अंधा हो गया। वो नीले घोड़ी वाले बाबा इसलिए कहा जाता है कि बाबा मोहन राम जो थे, ठीक है। राधे राधे, आप सभी को, आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्त। और आज मैं सुबह 6:30 बजे ही सो करके जाग गया हूँ और तैयार हो गया हूँ, नहा धोवा कर पूजा पाठ करके फटाफट एकदम रेडी, क्योंकि मैं रोज़ लेट हो जाता था। लेट होने का कारण था कि मन भारी लगता था, थोड़ा सा मन मिजाज सही नहीं रहता था और सारी चीज़ों में मैं लेट हो जाता था। इसलिए मैंने प्लान किया कि 6:30 बजे तक जाग जाना है। हालांकि 6 बजे तक का मैं अलार्म लगा करके रखा था, लेकिन मेरी नींद पूरी 6:30 बजे। तो खैर 6:30 बजे ही जाग गए हैं और अभी टाइम हो रहा है, देखिए कितना 7:35 हो रहा है। तो चलते हैं, अभी सोच रहे हैं नाश्ता करने के लिए। और यहीं पे बगल में मोहन बाबा का मंदिर है, तो दिल कर रहा है कि जाऊं एक बार दर्शन करके आऊं घूम कर। हालांकि बाहर में धूप है, तेज है धूप, लेकिन देखिए कितना तेज धूप है इधर में, ये इतना तेज धूप है, यहाँ का पूरा चमक रहा है। लेकिन अभी मतलब मौसम ठंडा है, तो सोच रहा हूँ कि जाऊँ घूम करके आ जाऊँ। अभी जाती है जिस बस से हम लोग जाते हैं ड्यूटी करने, उधर से होकर गुजरती है, तो देखते हैं नहीं होगा तो अभी जाकर के घूम करके आएंगे। पूछते हैं चाचा या काश से, अगर वो लोग कोई जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं जाएगा तो मैं अकेला जाऊंगा, ऐसा मेरा मन कह रहा है। तो मन अगर कह रहा है तो मन की कभी कभी सुननी चाहिए वैसे तो मन। और जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताया था कि मैं जाऊंगा बाबा मोहन राम का दर्शन करने के लिए, तो मैं तैयार हो चुका हूँ जाने के लिए और हम विनोद सर के साथ जाएंगे। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ बाबा मोहन राम जी का मंदिर में। ये आलमपुर वाला मंदिर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। हालांकि मैं पूरा वो घूम करके या बोल करके रिकॉर्डिंग नहीं किया हूँ, ऐसे ही रिकॉर्डिंग कर लिया हूँ ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि ये मंदिर या बाबा मोहन राम या बाबा मोहन राम कौन थे। बहुत लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा, बट मुझे भी पता नहीं था, लेकिन इस बारे में मैं पढ़ करके आया, देख कर गया। ये नहीं कह सकता हूँ मैं कि पूरी अच्छी तरह से मैं बता दूँगा, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर बता सकूँ, बेहतर से बेहतर कह सकूँ कि क्या थे नहीं थे। तो आज से 350 साल पहले बाबा मोहन राम प्रकट हुए थे। नंदू जी एक गौ चराते थे अपने गाँव में। तो क्या हुआ कि पहले तो इनके बारे में बताते हैं, बाबा मोहन राम नाम किसे पड़ा। तो बात यह है, एक मिनट, तो बात ये है कि बाबा मोहन राम जो थे, ठीक है, वो कहा जाता है कि कलयुग में श्री कृष्ण के अवतार हैं। तो वो मोहन राम बाबा जो थे, उनका मोहन राम कैसे नाम पड़ा, बाबा मोहन राम। तो बाबा लिया गया शब्द भगवान विष्णु के नाम से, मोहन लिया गया शब्द श्री कृष्ण के नाम से, और राम जो शब्द लिया गया वो श्री राम जी के नाम से लिया गया। ये तीन रूपी त्रिमुखी अवतार उनको कहा जाता है, इसीलिए उनको बाबा मोहन राम कहा जाता है। वो जब प्रकट हुए थे तो उनके जो मुकुट है, मुकुट के चारों तरफ मतलब सोना जड़ा हुआ था, और उनको नीले घोड़े वाले भी बाबा कहा जाता है। नीले घोड़े वाले बाबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो नीला घोड़ा लेकर के प्रकट हुए थे। अब बात रही कि ये प्रकट कहाँ हुए थे, कैसे थे, क्या हुआ था। तो एक नंदू जी करके एक गौ सेवक थे जो गाय चराते थे। तो वो जब भी हर रोज़ गाय चराने जाते थे तो उनके जहाँ पे गाय चरने जाती थी वहाँ पे साथ में एक गाय आकर के रोज़ मिलती थी चरती थी और फिर वापस चली जाती थी। जब ये घर लौटने लगते थे तो वापस ये चली जाती थी।
ये नित्य दिन चलता रहा, हर रोज़ वो देखते थे। एक करीबन एक साल करीब पूरा तो वो सोचे कि जाती है गाय कहाँ, चलो एक बार मैं देखता हूँ। तो वो गाय के पीछे पीछे गए। तो यहाँ पे एक काली खोली वाले मोहन बाबा मंदिर, यहाँ पे तीन जगह मंदिर है, एक आलमपुर, एक काली खोली बाबा का जगह का मुझे उतना एक्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन तीन जगह मंदिर है। तो मैं आलमपुर वाला में हूँ क्योंकि ये पास में था तो मैं यहाँ आ गया। हो सकता है मैं कल वहाँ जाऊँ काली खोली वाले में। हालाँकि पहले मैं गया था लेकिन उतना अच्छे से जान नहीं पाया क्योंकि मैं जानकारी लेकर के नहीं गया था, बस जानता था कि मोहन बाबा हैं तो उनका दर्शन करने जाना है, लेकिन मोहन बाबा कौन थे ये पता नहीं था मुझे। लेकिन इस बार मैं अध्ययन करके आया हूँ, उसके बारे में कुछ जान करके आया हूँ, जानकारी लेकर के आया हूँ। तो क्या हुआ कि जब वो वहाँ पे गाय के पीछे पीछे गए तो वो गाय गुफा में चली गई, तो वो जब गए गुफा के अंदर गए तो देखे कि गाय अलोपित हो गई, गायब हो गई। तो ये सोचे कि कहाँ चली गई। तो फिर उनका जो नाम था नंदू जी, अंदर से एक बोले कि नंदू तुम मेरे गाँव को एक साल से चरा रहे हो, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये थोड़ा सा कोई भी अश्चका जाता है कि ये क्या चल रहा है। तो बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए वही काफ़ी जब प्रकट हुए सामने। तो बोले कि अच्छा मैं तुमको एक वचन देता हूँ कि तुम्हारा जो सात पीढ़ी रहेगा, सात पीढ़ी तक मतलब सेवा करेगा और मैं सात पीढ़ी के साथ रहूँगा, सात पीढ़ी। दोस्तों मेरे पास इतनी जानकारी थी जो कि मैं आप लोगों के सामने साझा किया, जो कि मैं कंफर्म मतलब हर चीज़ के बारे में नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं पढ़ के आया था, जो मुझे ख्याल था, जो मुझे याद था, मैं आप लोगों के सामने बताया हूँ। बाकी और सारी चीज़ें मतलब आपको देखना पड़ेगा, जा करके आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पे सारी चीज़ें हैं इनके बारे में। लेकिन कलयुग में अवतार कहा जाता है श्री कृष्ण का, मोहन बाबा का, ये मतलब मैं पढ़ के आया हूँ, जानता हूँ। और ये ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली से करीबन 60-70 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो अगर दिल्ली में भी कोई रह रहा है तो वो आकर के दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही वो मतलब प्रचलित भगवान है ये, और मनोकामना भी पूरी होती है। बहुत सारे इनके ऐसे चमत्कार हैं कि एक और मैं पढ़ रहा था कि एक महिला थी जो कि दर्शन करने आई थी काली खोली वाले मोहन बाबा के पास। तो वहाँ पे एक चोर आया और उनका वो गले का जो चैन है वो लेकर के भाग गया। तो वो परेशान हो गई, तो परेशान होकर के बाबा जो थे नंदू जी महाराज से उनके पास गई, बोली कि जो मेरा कोई चोर चैन लेकर के भाग गया। तो वो बोले कि कोई बात नहीं, तुम आराम से बैठो, वो चोर आकर के तुमको चैन दे करके जाएगा। तो वो चोर कुछ देर के बाद घूम करके आया और चोर अंधा हो गया। वो आ करके और वो चैन वापस कर दिया, बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वो चैन वो महिला को मिल गया और वो जो अंधा हो गया था वो उनसे क्षमा मांगा, उसके बाद उनको सही कर दिए और वो फिर उनके मतलब सेवा में लग गया चोर। मतलब ऐसा कई सारे चमत्कार हैं, लेकिन जो मैं अध्ययन करके आया हूँ मैं उसी के बारे में लोगों को बता रहा हूँ। बाकी ये मंदिर बहुत ही अच्छा है दोस्तों, अभी यहाँ पे मंदिर बन रहा है, चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को। ये वाला मंदिर अभी नया बन रहा है, ये वाला देखिए, ये मंदिर बन रहा है। यहाँ बाबा बालकनाथ जो है ना सांसद विधायक, जिनको अभी कयास चल रही थी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेंगे, वो यहाँ का शायद वो है, क्या बोलते हैं उसको, महंत। ये मंदिर है दोस्तों, और देखिए इधर इधर भगवान शंकर जी का है मूर्ति, इधर ये है नीले घोड़े वाले बाबा जी, देखिए ये है नीले घोड़े वाले बाबा मोहन राम। और यहाँ पे कृष्ण भगवान की काफ़ी सारी लीलाएं, जैसे कि देखिए ये है, ये भगवान कृष्ण के हैं। ये जब महाभारत में द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण अपना आशीर्वाद से साड़ी देते गए और खोलते गए, वो दृश्य है। और इसके बाद इधर है ये, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं दोस्तों, तो मैं आपको बता नहीं सकता। और ये भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी, इधर माता दुर्गा, हनुमान जी जो राम जी और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर उठा रखे हैं, और ये है कृष्ण जी का बाल लीला का, जब माखन चोरी करते थे तो यशोदा मैया इनके हाथ पकड़ के रखी हैं, कान पकड़ के रखी हैं, वो है। यहाँ पे भी कृष्ण जी का ये बाल लीला का है ये, और ये हमारे हनुमान जी महाराज हमारे, और ये यशोदा मैया दूध निकाल रही हैं। और ये और इनके बारे में भी दोस्तों मुझे पता नहीं है, इनका सर पे आरा से काटा जा रहा है तो इनके बारे में मुझे पता नहीं, तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ। और इधर में ये श्रवण कुमार बेटा हो तो ऐसा,
श्रवण कुमार जैसा अपने माता पिता को लेकर के चारों धाम घुमाने के लिए लेके चले थे और इनका बाण मार दिए थे राजा दशरथ, इसीलिए राजा दशरथ को वो इनके माता पिता वो श्राप दिए थे कि तुम भी जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ वैसे तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। तो इतना जानकारी है मुझे। तो ये हैं महाराज वो श्रवण कुमार, तो कहते हैं कि बेटा हो तो श्रवण कुमार जैसा। और बहुत सारे मतलब यहाँ पे वो मूर्तियाँ हैं जो कि बताया गया था इसमें कि यहाँ पे सभी भगवानों का मूर्तियाँ हैं। वैसे आपको एक्चुअली मोहन बाबा का जो जहाँ पे मोहन बाबा प्रकट हुए थे बाबा, तो वो काली खोली में प्रकट हुए थे, वहाँ पे जोत जलती रहती है, वो बारहों मास सब दिन जोत जलता रहता है, घी का जोत जला जाता है। देखो घी लेकर के मैं भी आया था यहाँ पे भी वो था, जोत जल रहा था तो उसमें डाला था। तो दोस्तों मुझे जितनी जानकारी थी मैं आप लोगों से बताया, एक्सप्लेन किया, बाकी आप लोग खुद आकर के देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। नहीं हो तो इनके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना है तो इनका बुक भी होगा, बुक भी पढ़ सकते हैं। नहीं और दोस्तों मैं आप लोगों से एक क्षमा चाहूँगा, यहाँ के जो मठाधीश हैं जो हैं वो बाबा हरिहर नाथ हैं, उनका भी लगा हुआ है फ़ोटो भी, मैं अभी देखा हूँ। तो क्षमा चाहते हैं मैं इसके लिए कि मतलब मैं उतनी मतलब तटस्थ जानकारी नहीं थी, लेकिन जो भी मैं बताई ये घटनाएँ हुई थी जो मैंने बोला आप लोगों से ये मैं पढ़ा हूँ, लेकिन यहाँ का मठाधीश कौन थे वो मुझे पता नहीं था, अभी देखा हूँ। तो बाबा हरिहर नाथ। तो दोस्तों हम आ गए हैं बाबा मोहन राम का दर्शन करके, और वहाँ पे हमारा मुंह नहीं खुल रहा था, हम उतना अच्छे से बोल नहीं पा रहे थे, रूम में आकर के टपाटप मुंह चल रहा है, क्योंकि मतलब पब्लिक में उतना वीडियो नहीं बनाया हूं। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी चीज़ के बारे में जब एक्सप्लेन करता हूं, तो एक्सप्लेन तभी किया जाता है जब आदमी को पूरी जानकारी हो। मुझे पूरी जानकारी नहीं थी, आधी अधूरी जानकारी थी, मैं आज ही पढ़ा था तो आज ही उनके बारे में बताया। तो जो भी आधी अधूरी जानकारी आप लोगों को मिले, गलती सलती हो तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। तो फाइनली दोस्तों मेरा ड्यूटी जाने का टाइम हो गया है और मैं तैयार हो चुका हूँ ऐसे अपना ड्यूटी जाने के लिए। मैं आने के बाद मैं सो गया था, मुझे नींद आ रही थी, अब नींद क्यों आ रही थी पता नहीं, थका तो नहीं था मैं, हो सकता है आलस लगा दी इसलिए मुझे नींद आ रही थी, तो मैं सो गया था। मैं सो करके अभी जागा हूँ, तैयार हो चुका हूँ और टाइम हो चुका है 1:43, तो मुझे अभी खाना भी खाना है, खाना बाकी है, खाना नहीं खाया हूँ। चलता हूँ नीचे, खाना खाऊंगा और खाना खा करके फिर उधर से उधर निकल जाऊँगा ड्यूटी के लिए। तो चलिए फिर आप लोगों से कल मुलाकात करूँगा, क्योंकि मेरा ब्लॉग लंबा हो गया है, क्योंकि वहाँ पे मंदिर में भी गया था, उधर का भी सब रिकॉर्डिंग वगैरह है, तो इसीलिए ये ब्लॉग अब आज का समाप्त करते हैं यहीं पे, और मिलते हैं आप लोगों से कल वाले ब्लॉग में। कल काली खोली वाले बाबा मोहन बाबा किसमें जाएंगे गुफा में, तो उधर का आप लोगों को ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।